हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए आज के एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के बारे में और कैसे आप यहाँ से ट्रांसक्रिप्ट ले सकते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप आज सारा कुछ बात करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मैं आपको सारे के सारे स्टेप बताऊँगा, ठीक है, उसके बीच में, क्योंकि ये सारा का सारा प्रोसेस कैसे करना है वो भी मैं बताऊँगा आपको। और उसके बाद भी अगर आपको कोई ज़रूरत है कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है, पॉलिसी वाइज, आपको ये नंबर है 8727832882, इस पे भी आप कॉन्टैक्ट करवा के अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोसेस समझ नहीं आता या कुछ और भी होता है या हमसे करवाना चाहते हैं तो ये वाला नंबर है 8727832882, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारे इस चैनल पे ट्रांसक्रिप्ट से लेते और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों की हमने वीडियोस बनाई हुई है, और उसके साथ साथ आपने वैस कैसे अप्लाई करना है, क्या क्रेडेंशियल असेसमेंट आपको मिलती है अगर आप IQS या वैस के साथ जाते हैं, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। और डायरेक्ट फ्लाइट्स के ऊपर भी मैं हम अपडेशन लाते रहते हैं, तो आप यहाँ से जाके भी और यूनिवर्सिटियों की भी ट्रांसक्रिप्ट की देख सकते हैं, और कैसे आपको वैस अप्लाई करना है या IQS अप्लाई करना है, तो सारी की सारी प्रोसेस करवाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है कि गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से कैसे ट्रांसक्रिप्ट को लेना है और कैसे स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। देखिए दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी से आपको ऑनलाइन अभी कोई प्रोसेस नहीं आया है, तो इसीलिए आपको ऑफलाइन ही यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी स्टेप गाइड्स करूँगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे कमेंट बॉक्स में आते हैं, तो मैं उनके बिहाफ पे भी आपको बताऊँगा कि आपके क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, और उनके आंसर भी इसी वीडियो के अंदर मैं सोल्व करने की ट्राई करूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपने एक वर्ड या आपने लेटर लेना है, और उसका मैं एक फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ, जो मैंने आप स्क्रीन पे फॉर्मेट देख रहे हैं वो आपने फॉर्मेट ले लेना है, ठीक है। तो जैसे कि आपने कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को एक लेटर लिखना है, ठीक है, तो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी द्वारका में है, जो इसका एड्रेस दिल्ली है। और हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखिए हमारा सब्जेक्ट है कि हमें जो इशू है, एप्लीकेशन फॉर ट्रांसक्रिप्ट या इशू ऑफ माई ट्रांसक्रिप्ट, आप ऐसे इसका सब्जेक्ट लिख सकते हैं। उसके बाद कॉमनली रिस्पेक्टेड सर मैडम, और फिर जो मैंने लिखा है कि आपने बताना है कि आप गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ के स्टूडेंट्स हैं, और आपका एनरोलमेंट नंबर या आपका रोल नंबर ये है, आपने जो कोर्स कंप्लीट किया वो ब्रैकेट में लिख देना कि आई हैव कंप्लीटेड माई BCA MCA, और जो भी आपने कंप्लीट किया है फ्रॉम जो आपका बैच था, आपने कब से लेकर कब तक उसको किया है। आप क्या कहते हैं कि आई वॉन्ट माई ट्रांसक्रिप्ट, हमने हमें अपनी ट्रांसक्रिप्ट दे दीजिए जो ECA प्रोसेस के, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडेंशियल असेसमेंट, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट के लिए प्रोसेस के लिए चाहिए। इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा आगे जाके। तो ये लेटर आपने लिख देना है, उसके अंदर सारा कुछ, अपना रोल नंबर, नेम, कोर्स, बैच, पर्पज, किस पर्पज है आपका, PR पर्पज है, स्टडी पर्पज है, रिगार्ड, आपका नेम, साइन आएंगे और डेट आएंगे जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप आपने क्या करना है, आपने इस लेटर को लिख लेना है, ठीक है। जैसे आप इस लेटर को लिख लेंगे, उसके बाद आपको क्या चाहिए होगा, देखिए उसके बाद आपके पास सारी आपकी जो भी आपने कोर्स किया हुआ है उसकी क्लियर DMC और डिग्री होनी चाहिए। कई लोगों के पास कंसोलिडेटेड DMC भी होती है, तो वो भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, देखिए जब आपने ये लेटर ले लिया, उसके बाद आपने सारी DMC और डिग्री ले ली आपने, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, आप जिस भी एजेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, लेट्स सपोज करो आप वैस के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आपको वैस का एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म चाहिए होगा। ये फॉर्म कैसे भरते हैं उसके बाद भी बताता हूँ मैं आपको। या आप IQAS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्वालिफिकेशन असेसमेंट सर्विस में अप्लाई कर रहे हैं, वे IQS में अप्लाई कर रहे हैं, ICES में अप्लाई कर रहे हैं, ये भी एक वैस, IQS, ICES और CES, ये भी एक एजेंसीज हैं, ठीक है। जैसे CES, ये भी एजेंसीज हैं। तो जिस भी एजेंसी में आप अप्लाई कर रहे हैं उसका आपके पास रिक्वेस्ट फॉर्म होना चाहिए, और उसको आपने भेजना है, ठीक है। तो लेट्स सपोज करो कि मैंने अपनी ट्रांसक्रिप्ट वैस को भेजनी है, तो उसके लिए मेरे पास लेटर के साथ मेरे पास ऑल मेरी DMC एंड डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद थर्ड स्टेप पे मेरे को क्या चाहिए, एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म चाहिए। एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म कैसे मिलेगा आपको, जब आप वैस के अंदर अपना अकाउंट बना लोगे,
मैंने एक आपको वीडियो भी बताई थी यहाँ पे, जो हाउ टू अप्लाई वेस इन 2020 ऑनलाइन। तो ये एक मैंने वीडियो बनाई थी कि आपने कैसे वेस को बनाना है, अकाउंट बनाना है, क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट रहेंगी, तो वो मैंने सारा कुछ बनाया। आप वहाँ से देख के भी वेस का अकाउंट बना सकते हैं। जब आप वेस का अकाउंट बना लोगे अपनी एजुकेशन के अकॉर्डिंग, फिर उसमें आपने अपना वेस रेफरेंस नंबर डालना है। यहाँ पे आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, इंस्टीट्यूशन, कंट्री, कब से कब अटैच किया आपने, अगर कोई मेजर आपने किया है, मान लो आपने एमबीए किया तो फाइनेंस जैसे से किया, एचआर से किया, तो एक एग्जांपल आपने अपना स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर, जो भी आपका अपना डिग्री के ऊपर मेंशन है वो करना है। यहाँ पे अपने सिग्नेचर और डेट करनी है, यहाँ पे भी आप ले सकते हैं। नीचे वाला पार्ट आपने नहीं भरना है, ये यूनिवर्सिटी के एंड से होता है, ठीक है। उसके बाद भरने के बाद देखिए, हम तीन स्टेप हमने कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर एक, हमने लेटर को लिख लिया है। नंबर टू, हमने ऑल डीएमसी एंड डिग्री की फोटो कॉपी रेडी कर लिया। नंबर तीन, हमने फॉर्म भर लिया। उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमने यूनिवर्सिटी की फीस को पे करना है। देखिए, यूनिवर्सिटी की फीस को पे करने के लिए आप, या जब आप यूनिवर्सिटी कैंपस में जाओगे, ठीक है, मैं आपको यहाँ का गुरु, देखिए ये जो एड्रेस है आपके आगे आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने ट्रांसक्रिप्ट लिख दिया। देखिए ये जो एड्रेस है, ये वाला गोल्फ कोर्स रोड, सेक्टर 16 से द्वारका, दिल्ली के अंदर, यहाँ पे आपने जाके यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर ही यहाँ पे बैंक है, अपने बैंक में जाके आपने यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट फीस को पे कर देना है, ठीक है। जब आप यूनिवर्सिटी की ट्रांसक्रिप्ट की फीस को पे कर लोगे, उसके बाद आपने क्या करना है, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर पे जाना है, ठीक है, जो उनकी विंडो है, जहाँ पे आपने ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट को सबमिट करना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये लेटर हमने रेडी कर लिया। लेटर रेडी करने के बाद हमने ऑल डीएमसी डिग्री ले ली। हमने जिस भी एजेंसी के लिए अप्लाई किया है, उसका वेस का, अगर वेस में अप्लाई किया तो एकेडमिक रिक्वेस्ट ये वाला फॉर्म, IQS में किया तो ये वाला फॉर्म आपका लगेगा, ICES में किया तो ये वाला फॉर्म लगेगा, अगर CES में किया तो ये वाला फॉर्म लगेगा, ठीक है दोस्तों। ये वाला फॉर्म लेने के बाद आपने क्या करना है, जब आप कैंपस में जाओगे तो अपनी फीस की स्लिप को आपने यहाँ पे अपनी फीस सबमिट कर देनी है ट्रांसक्रिप्ट की, और वहाँ से एक आपको स्लिप मिलेगी। वो वाले चार डॉक्यूमेंट लेके आपने क्या कर जाना है, यूनिवर्सिटी कैंपस में पहुँच जाना है। जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन का सेंटर है, वहाँ पे विंडो है, ठीक है, वहाँ पे आपकी ट्रांसक्रिप्ट क्या होगी दोस्तों, सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या करना है, आपने स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीज़ें आपने कर लेनी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, एप्लीकेशन लेटर लिखना है, और डीएमसी डिग्री या कंसोलिडेटेड जो भी मार्कशीट आपके पास प्रेजेंट है वो आपने साथ में कैरी कर लेनी है। अपनी जो भी फीस आपने यूनिवर्सिटी कैंपस में पे की है वो साथ में ले लेनी है। अपना वेस IQS का एकेडमिक रिक्वेस्ट फॉर्म ले लेना है, ठीक है। फिर उसमें यूनिवर्सिटी में जाके कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर आपने यहाँ पे जमा कर देनी है, ठीक है। उसके बाद भी काफ़ी क्वेश्चन होते हैं कि वो ट्रांसक्रिप्ट कैसे, क्या वेस IQS या CES या जो जिस भी एजेंसी को आप अप्लाई करें, तो क्या वो यूनिवर्सिटी आपकी ट्रांसक्रिप्ट को वहाँ भेज देगी। तो देखिए, डायरेक्ट को आंसर है इसका नो। वहाँ से ही आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी, कलेक्ट करवा के आपको ही स्पीड पोस्ट ऑफिस से आपको वहाँ से पार्सल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये थे, लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि क्या वो भेजते तो नहीं है इलेक्ट्रॉनिकली, नहीं वो नहीं भेजते हैं, आपको खुद जाके कलेक्ट करके वहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो एक चीज़ का आप इसमें ध्यान रखना, जो आप ट्रांसक्रिप्ट रिसीव करोगे उसको आपने ओपन नहीं करना है, ठीक है। वो कई लोग क्या करते हैं, ट्रांसक्रिप्ट को ओपन करके देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं, नहीं आपने ओपन नहीं करना है। जो सील्ड एनवलप होगा उसके ऊपर स्टैंपिंग होती है, क्योंकि जैसे ही आप सील्ड एनवलप को खोलते हैं तो वेस या कोई भी एजेंसी उसको एक्सेप्ट नहीं करती है, और उससे आपकी ट्रांसक्रिप्ट कैंसिल हो सकती है। अगर इसके बाद भी आपके कोई क्वेश्चन है तो आप कॉमेंट बॉक्स में अप्लाई कर सकते हैं, मैं वहाँ पर भी आपके आंसर करूँगा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आपने अप्लाई करवाना है तो मैं आपको प्रोसेस बता चुका हूँ। अगर आपने हेल्प लेनी है हमारी, या आपको हाउ टू अप्लाई कैसे, आपको यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस या पॉलिसी के द्वारा बता दिया जाएगा। अगर हम के थ्रू अप्लाई करवाना चाहते हैं तो ये नंबर आपको दिए गए हैं, आप कॉन्टैक्ट करके या मेल एड्रेस पे आप मेल करके हमसे पूछ भी सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर ये ब्लॉग आज आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना।
थैंक यू दोस्तों। इसके बाद भी जैसा कि मैंने बताया, चैनल पे और भी वीडियोज़ हैं, हाउ टू अप्लाई वेस्ट, उसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटियों की भी बनी हुई है, महर्षि MMU की, दिल्ली की, और दिल्ली में दो जो भी यूनिवर्सिटी हैं उनकी भी बनी है, तो प्लीज़ यहाँ जाके आप दे सकते हैं। थैंक यू।